इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए तीन तरीके से पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। पहला, कहाँ पे? एट एक्सियल लाइन, एट एक्सियल लाइन। दूसरा कहाँ पे पूछेगा? इक्विटोरियल पे। कहाँ पूछेगा? इक्विटोरियल। इस इक्विटोरियल को ही हम क्या बोलते हैं? ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं, या ओ आर परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, ठीक है। थर्ड, एट एनी पॉइंट, एट क्या हो सकता है? एनी पॉइंट। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन अ एक्सियल लाइन, ऑन अ एक्सियल लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, कहाँ देखते हैं? एक्सियल लाइन पर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। इसी का दूसरा नाम होगा लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन, लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन। इसी का तीसरा नाम होगा क्या होगा? क्या होगा? इंड ऑन पोजीशन। चौथा नाम होगा टेन ए पोजीशन। तो ध्यान से समझिए इस कंसेप्ट को। डाइपोल पहले क्या है? आपका क्या कंसेप्ट आ रहा है? डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग का स्मॉल डिस्टेंस होता है और सेम चार्ज होते हैं बट अपोजिट इन नेचर के। यानी इफ टू चार्जेज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर प्लेस्ड एट अ सम डिस्टेंस अपार्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिटवीन का डिस्टेंस कितना होता है? कितना होता है? 2a होता है, 2a होता है या 2l होता है? 2l होता है। ये डाइपोल का क्या है? आपका मिड पॉइंट। क्या है? मिड पॉइंट। तो डाइपोल का मिड पॉइंट है, तो इसका हाफ लेंथ कितना हो जाएगा? l। इधर हाफ लेंथ कितना हो जाएगा? ध्यान से बात को समझिए, जो चीज़ नहीं समझ आता उसे पूछिए। अब b पर हम चार्ज रखे क्या? माइनस। a पर हम चार्ज रखेंगे प्लस q, ठीक है। और डाइपोल के मिड पॉइंट ओ से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हम क्या लेंगे? p। क्या लेंगे? p। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आप देखिए, तो इस प्लस q चार्ज से p पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस आपका r है और ये l है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा r माइनस l। इतनी बात समझ में आया? अच्छा, यहाँ से यहाँ तक r है और ये l है, तो माइनस q से p तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? r प्लस l। इतनी बात समझ में आया? बोलिए, आप ध्यान से समझिए। आपको दो चीज़ याद करना है। कितना चीज़ याद करना है? दो चीज़। पहला ये चीज़ याद करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे v इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन आई नॉट इंटू क्यू अपॉन r। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, जब हमने आपको प्रूव कराया था या डिराइव कराया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इंटीग्रेशन से, यानी भोले बाबा को बुलाए थे और वहाँ पर उरूज क्या किए थे? इंटीग्रेशन किए थे। आई बात समझ में? उरूज आया कि नहीं? इंटीग्रेशन किए थे, तो आया था फॉर्मूला ये। और उसके बाद हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल आपका क्या होगा? पॉजिटिव। और निगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव। अगर प्लस क्यू के कारण देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस। अब माइनस के कारण देखेंगे तो क्या होगा? माइनस। लेकिन एक और बात है, इस डाइपोल मोमेंट के कारण पी पॉइंट पर हम इंटेंसिटी भी फाइंड किए थे। बात समझ रहा? क्या फाइंड किए थे? इंटेंसिटी। कहाँ पर? ए पी पॉइंट है क्या? एक्सियल लाइन, एक्सियल पॉइंट है, यानी एक्सियल लाइन है। ओ आर लॉन्गिट्यूडनल, ओ आर इंड ऑन पोजिशन, ओ आर टेन ए पोजिशन। याद रहेगा? याद रहेगा ना? जिंदगी के लिए। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर है। क्या है? वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। लेकिन पोटेंशियल, तो इसको तो हम कॉमन एल्जेब्रिक सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे, फिर इसके कारण इस पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करके दोनों पोटेंशियल को क्या कर लेंगे? तो सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सम। इतना बात समझ में आ रहा है?
तो फिगर बनाकर कर लिखेंगे कि कंसीडर टू चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस टू एल आ पाई, समझ में बात आ रही है। एंड मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल ओ पी, डिस्टेंस ऑफ ओ पी इज इक्वल टू आर, तो देयर फोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, यानी आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसके कारण, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, यानी इसको कहेंगे हम वी ए, क्या कहेंगे वी ए इज इक्वल टू वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान, डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, डिस्टेंस क्या हो जा रहा है, यानी ये आर नहीं रखना है, इस आर के जगह पर क्या है आर माइनस, तो यहाँ आप रखेंगे आर माइनस एल, और यह स्केलर है इसलिए इसका कोई डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन तनी हटाइए ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, इसको आप मान लें पहला बात बोले तो इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट वहीं पर ना, कहाँ पर, पी पर, एट पॉइंट पी पर, क्या तुम लोग ताला मारा गया है क्या, कहाँ पर एट पॉइंट पी पर, किसके कारण, माइनस क्यू चार्ज कारण, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी किसके कारण, ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, क्या नाम दे देंगे, क्या नाम देंगे, क्या रखेंगे, माइनस, क्या रखेंगे, माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल, प्लस के कारण प्लस पोटेंशियल, यानी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, अब तो डिस्टेंस आर प्लस यर रखोगे मेरे बच्चों, इसको कहोगे इक्वेशन, बात समझ में आ रहा है। अब आप लिखेंगे नेट पोटेंशियल कहाँ पर, एट पॉइंट पी पर, तब वी इज इक्वल टू, यानी वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस बी बी, तो ए का पोटेंशियल कैसा है, बी का पोटेंशियल कैसा है, कोई बात नहीं, वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन क्या लिखोगे आर माइनस, अब यहाँ पर प्लस, लेकिन वी बी किस में है, माइनस में, तो वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपन बोलो आर प्लस, दिखता कि नहीं दिखता, आप ध्यान समझिए, ये प्लस और माइनस कुछ ऐसा होगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो देयर फोर वी पी इज इक्वल टू, देयर फोर वी पी इज इक्वल टू, हाँ सही है, क्या लिखेंगे आप कॉमन ले लेंगे, पहले क्या कर कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन ब्रैकेट में वन अपॉन आर माइनस एल, अब देखो ये प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस, वन अपॉन आर प्लस होगा ना, थोड़ा सा मैं ऐसे खींच लूँ, सही है ना, अरे राम हो राम, अच्छा देखो इधर, अब यहाँ पर कहेंगे वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन, लिख सकते हैं ना, अच्छा सुनिए यहाँ पर देखिए, इसको दोनों को यहाँ लिख लीजिए आर माइनस एल आर प्लस, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा, बचेगा ना, बचेगा ना, इससे ये कैंसिल, ये बचेगा आर माइनस, लेकिन यहाँ पर क्या है ई माइनस, यहाँ जाएगा तो ई माइनस, यहाँ जाएगा तो ये आर आर दुनिया से, तो वी पी इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन होगा, यल और यल टू एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा टू एल, ए माइनस बी आई ए क्वेश्चन ए प्लस, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो इसको आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस, दिखता कि नहीं दिखता, एक चीज और दिखता है क्यू इंटू टू एल, क्या दिख रहा है, एज वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज एंड सेपरेशन ऑफ टू चार्जेज,
यानी डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ और चार्ज के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? परंतु, परंतु यानी बट, पी आई इज इक्वल टू क्यू इन टू, ये पी आ क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पूरा बोलिए, अधूरा नहीं, पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो देयरफॉर वीपी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 इनटू पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस। समझ रहे हो ना? लेकिन एक बात सोचो, हाँ क्या हो गया? पी नहीं होगा, क्यू इंटू टू एल, क्यू इंटू टू एल को हम पी कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा एक बात और समझिए, यहाँ पर समझिए, छोटा वाला बक्सा में, छोटे वाला बक्सा में समझिए। बक्सा लाने की कोशिश मत कीजिएगा, बक्सा बनाने की कोशिश कीजिएगा, अभी बक्सा लाने की कोशिश मत करें आप। ध्यान समझिए, इफ डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, शॉर्ट या स्मॉल, इफ मैंने यदि वैधु द्विध्रुव आघूर्ण बहुत छोटा हो तो, यानी इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट या स्मॉल, इसका मतलब स्मॉल यल इज लेस देन लेस देन। तो ये बताओ, छोटा में छोटा का प्रोडक्ट करोगे तो उससे भी छोटा आएगा। yes, समझ रहे हो ना? yes. जैसे 0.001 को 0.001 मल्टीप्लाई करोगे तो सोच समझ सकते हो। तो इसका मतलब आप लिखोगे क्या? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली, यानी इसके बाद आप कहेंगे इफ डाइपोल इज वेरी स्मॉल, तो ब्रैकेट में लिखेंगे स्मॉल यल इज लेस देन आर। तो उसके बाद कहने लिखे दैट इज एल स्क्वायर कैन बी निगलेक्टेड कंपेयर टू आर का स्क्वायर, लिखोगे ना? yes, इतना लिखने के बाद आप लिखोगे क्या? हैंस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रॉक्सिमेटली आर का। तो ओ आर, ओ आर वी पी इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon 0 इंटू पी अपन क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? लेकिन सुनो, इसके बड़े भैया को याद करो, डाइपोल मोमेंट का इंटेंसिटी को, डाइपोल मोमेंट के कारण इंटेंसिटी को याद करो, यानी कि बड़े भैया का फॉर्मूला क्या था, उसमें भी पी थे पिया जी थे, लेकिन पिया जी के पास तकिया था, तकिया कौन था? टू था ना, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर है, लेकिन वहाँ पर यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल आर का पावर क्यू, यानी इस डाइपोल मोमेंट के कारण इंटेंसिटी आपने देखा था तो 1/4 pi epsilon 0 × 2 pi / r का पावर क्यू। तो सोचिए, डाइपोल मोमेंट का पोटेंशियल फाइंड किया, और डाइपोल मोमेंट का इंटेंसिटी फाइंड करेंगे एक सीएल पर, तो ये आएगा, ये कब? जब डाइपोल बहुत छोटा हो तो। समझ रहे हैं ना? yes, समझ रहे हैं ना? yes, अच्छा अच्छा, अब ध्यान समझिए एक और बात, यहाँ पर ये मैं मिटा दूँ, ये हेडिंग मिटा देता हूँ, ध्यान समझिए, यानी भी आपका जो भी है वह क्या है? आर का। तो अगर इधर वोल्टेज लेते हैं वाई एक्सिस में, आई एक्सिस में क्या लेते हैं? आर, तो इनके बीच ग्राफ कैसा बनेगा? रिएक्टेंगुलर हाइपर बोला, रिएक्टेंगुलर हाइपर बोला। बात समझ रहे हैं ना? yes, कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे। बोलिए, नोट करेंगे आप कि छोड़ देंगे? नोट कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट आपका क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द, कहाँ पर? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भाई, ओ आर ब्राड साइड, ओ आर ट्रांसवर्स, ओ आर इक्विटोरियल। तो अब ध्यान समझिए, ये हम लोगों का डाइपोल है, ध्यान समझिए, डाइपोल पे कितने चार्ज होते हैं? एक प्लस और दूसरा माइनस। डाइपोल मोमेंट डायरेक्शन किधर से किधर होता है? फ्रॉम फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू, ये डाइपोल का हमने क्या मान लिया? मिड पॉइंट। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट पी मान लिया, क्या मान लिया? पी, ये डिस्टेंस ले लिया हम लोग कितना? हाँ, अब ध्यान से समझिए, ये डिस्टेंस आर है तो यह पॉइंट ए है, तो ओ और ए का डिस्टेंस कितना ले लेंगे? और ओ और बी का डिस्टेंस कितना? L। तो ये L पता है, ये R पता है, तो क्या आप इसको फाइंड कर सकते हैं? yes, कौन सा थ्योरम लगाकर? रूट क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस। तो जितना आपका AP मिलेगा उतना ही तो BP मिलेगा। yes,
यानी ये आपको मिल जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस, यानी यहाँ पर बच्चों एपी इज इक्वल टू क्या है बीपी, ये कितना मिला रूट आर स्क्वायर प्लस। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, बट चार्ज इन अपोजिट इन, तो इसका मतलब एक चार्ज हवा के कारण वोल्टेज हवा प्लस आएगा और एक चार्ज हवा के कारण वोल्टेज हवा माइनस आएगा। और डिस्टेंस सेम है, चार्ज भी सेम है, बस एक प्लस और एक क्या है, तो दोनों को सम करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। नेट पोटेंशियल ट्रांसवर्स पोजीशन पर ओवर इक्वेटोरियल पोजीशन पर ओवर राइट बाई सेक्टर पर नेट पोटेंशियल क्या आएगा, लेकिन इंटेंसिटी को थोड़ा याद करो। इंटेंसिटी आपका आता था E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पी अपॉन आर का पावर क्यू, आता था ना। इस पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट और इंटेंसिटी के बिटवीन एंगल कितना बनता था 180, क्योंकि इंटेंसिटी इधर आ रही थी और डाइपोल मोमेंट इधर जा रहा था, तो थीटा के वैल्यू कितना बना था 180 डिग्री। लेकिन डाइपोल से कितने एंगल पर निकालते थे 90 डिग्री पर, कितने एंगल पर 90 डिग्री पर, वहां पर इसका जनरल फार्मूला बताया था ना इंटेंसिटी का। अच्छा तो इसको आप देख क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा वी ए इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन रूट, बोलो तो होगा ना इन इक्वेशन। क्या कर पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज प्लस के कारण, प्लस के कारण माइनस के कारण। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज, यानी ये हो जाएगा वी बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस इन इक्वेशन। अच्छा चूंकि यह पोटेंशियल है तो पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, तो स्केलर में करते क्या है कॉमन, कॉमन एलजेब्रिक, क्योंकि स्केलर में ना डायरेक्शन नहीं होता है, क्या होता है ओनली वन मैग्नीट्यूड। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू वी आर ए प्लस वी आर बी, वी आर ए बोले तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस, दिखता कि नहीं दिखता, यहाँ पर प्लस है, ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस, आप लिखेंगे ना, आप ध्यान समझिए, ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो जितना इधर है उतना, एक टोकरी में पांच आम, पांचों आम पेट में गया, टोकरी में कितने आम, यानी ये दुनिया से नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल क्या मिला, मिला कि नहीं मिला। अच्छा ध्यान से समझिए, नेट पोटेंशियल क्या मिला, जीरो, लेकिन इंटेंसिटी क्या मिलेगा, समझ रहे हैं ना। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा एक ट्रिक ले लीजिए, लिखिए आप हैंड्स एट ए ग्लांस, क्या लिखिए हैंड्स एट ए ग्लांस, हैंड्स एट ए ग्लांस, देखिए हैंड्स एट ए ग्लांस, ये डाइपोल है, ये क्या है डाइपोल, ये डाइपोल का क्या है मिड पॉइंट, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं पी, यानी यह एक्सियल लाइन है, इसी के एक्सिस पे है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता था वन अपान फोर पाई टू पी अपान आर का पावर, बट पोटेंशियल क्या आता था, तब जब डाइपोल बहुत छोटा था तब, लेकिन जब छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टू पी अपान आर का पावर क्यू माइनस, ऐसा होगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू, ये था ना कब, जब डाइपोल छोटा नहीं था तब, लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपन आर स्क्वायर माइनस, ये ना था, बोलो यही ना आएगा, जब डाइपोल छोटा नहीं होगा तब, ये कब के लिए है, इस्तेमाल ये लीजिए लेस देन यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन एल, समझ रहे हैं ना, तनी हथवा को हटाई का समझिए, ये बात समझ में आया।
लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी और डाइपोल मोमेंट के बिटवीन एंगल कितना आएगा? जीरो डिग्री। पी भी इधर होगा और इंटेंसिटी भी, क्योंकि प्लस के कारण प्लस और माइनस के कारण माइनस, तो जिसका डिस्टेंस मैक्सिमम उसका इंटेंसिटी मिनिमम और जिसका डिस्टेंस मिनिमम उसका इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो इसके कारण इधर जाएगा नेट इंटेंसिटी और डाइपोल भी इधर जाएगा ना मुस्कान। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकाले थे, कहाँ निकाले थे? यहाँ पर ये क्या है? ट्रांसवर्स पोजिशन। क्या है? इक्विटोरियल पोजिशन। क्या है? ब्रॉड साइड पोजिशन। बिल्कुल खोपड़ा है। क्या है? खोपड़ा है। तो यहाँ पर पोटेंशियल निकाले थे, तो पोटेंशियल क्या रहा है बोल? पोटेंशियल क्या आ रहा है बोल? जीरो। बट इंटेंसिटी क्या आएगा? वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपन आर का पावर। यहाँ टू था, यहाँ पर टू नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटेंसिटी और डाइपोल के बिटवीन एंगल कितना था? 180 डिग्री। लेकिन यहाँ पर डाइपोल से कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पर पोटेंशियल देखिए, जनरल पॉइंट यानी Vp इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कहाँ पर? यहाँ पर, हाँ यहाँ पर आर भी होगा, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर केवल स्क्वायर होगा ना, सही, ये स्क्वायर होगा, तो टू टू जब फोर हो जाएगा और एक आर से एक आर, तभी ना एक आर आएगा। और ये फॉर्मूला देखो, जनरल पॉइंट के लिए था ना ये, नहीं समझे? इसके बाद वाले लेक्चर में देखिए, या जो हमने कल बताया था जनरल पॉइंट पर, एनी पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट कारण एनी पॉइंट पर क्या बताया था? पोटेंशियल बताया था ना, तो यही फॉर्मूला बताया था। तो सेम जो जो चीज़ यहाँ आया है वही चीज़ यहाँ आएगा, जो चीज़ यहाँ आ रहा है वही चीज़ यहाँ आएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके बाद, ठीक है बच्चों।